पत्र में केजरीवाल जी का संदेश है दिल्ली की जनता के नाम पे, और वो संदेश ये है कि फ्री बिजली की योजना, फ्री पानी की योजना, विश्व स्तरीय फ्री शिक्षा की योजना, फ्री इलाज की योजना, फरिश्ते स्कीम की योजना, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा कराने की योजना, और हमारी माताएं बहनें यहाँ पे हैं, दिल्ली में बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री वाली योजना जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को इस बार 70 में से 70 सीटें आपको देके जिताना है। बीजेपी वाले आ गए तो इनका काम है सिर्फ काम रोकना। मोहल्ला क्लिनिक बीजेपी वाले रोकना चाहते हैं, बस की फ्री यात्रा रोकना चाहते हैं, फ्री बिजली की योजना खत्म करना चाहते हैं, फ्री पानी की योजना खत्म करना चाहते हैं। चिढ़ाते हैं अरविंद केजरीवाल को, कहते हैं केजरीवाल तो रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं मालवीय नगर के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूँ, हाँ अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं और आगे भी ये फ्री की रेवड़ी जारी रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपका पैसा आपके जेब में जाना चाहिए, आपका पैसा आपको मिलना चाहिए, आपके पैसे से आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा और फ्री इलाज मिलना चाहिए, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा की योजना लागू रहनी चाहिए। आपने देखा हमारी सरकार ने दिव्यांगों के लिए आज घोषणा की है 5,000 रुपए के पेंशन की घोषणा, 5,000 रुपए। ये सोच है हमारी, ये विचार है हमारा, ये केजरीवाल का नारा है कि आम आदमी को, गरीब आदमी को राहत देने का काम करना है।